लाली को चाय बड़ी पसंद है, इसलिए तो लाली अक्सर आपको पप्पू के ढाबे पे ही मिलती है। अगर आप लाली और पप्पू की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो पप्पू लश्कारा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ड्रामा सेंट्रल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तुम ये बात अच्छे से समझ लो कि मैं आतिर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस करो आनिया, बकवास बंद करो और अब जाओ यहां से। जा रही हूं, मैं इसे सिर्फ यहां वार्न करने आई थी, और आतिर को इसकी बहुत फिक्र हो रही थी, वो इसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर देख लूं कैसी क्या परेशानी वाली बात है। और वो परेशान क्यों ना हो, क्योंकि आतिर का बच्चा इसके पास जो है। मोहल्ले की लेडी हेल्थ वर्कर से मैं बात करती हूं, वो ये काम कर देगी, मगर कुछ पैसे लगेंगे। काम हो जाएगा? पैसों की फिक्र मत करो खाला, बस काम होना चाहिए। और तंजीला को तो नहीं कुछ होगा ना? नहीं नहीं, तंजीला को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। बल्कि तंजीला को तो खबर तक भी नहीं होगी। हाँ, आतिर आपके लिए चाय लाई थी। आनिया, तू मिलने गई थी तंजीला से? बताओ कैसी है वो, ठीक तो है ना? मैं मिलने गई थी और मेरी मुलाकात भी हुई। आप खामखा परेशान हो रहे थे, वो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। लेकिन आतिर, मुझे आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। जी, मुझे पता चल चुका है कि आप फैसल के घर गए थे गन लेकर, उसे मारने के लिए। आखिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आपने सोचा है अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माना आपके लिए तंजीला सब कुछ है। आतिर, कागज ही सही, लेकिन हमारा रिश्ता तो है ना, जो कानूनी और शरई तौर पर है। तो आपने सबके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतनी गैर हूं आपके लिए कि अब भी आपको मेरी मोहब्बत और खुलूस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मेरे नजदीक रिश्ते बनते हैं दिलों के जुड़ने से, कागजों पर नाम लिखे जाने से नहीं। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी सब कुछ बुलाकर इस घर में कबूल किया, तुम इसी पर शुक्र अदा करो। वरना मेरी तरफ से तुम आजाद हो, जब चाहो मुझे इस घर को छोड़कर जा सकती है। मैं आपको या इस घर को छोड़ दूं, इसके बारे में आप सोचिएगा भी मत आतिर।
अलबत्ता तंजीला, वो इस घर में आए, आपकी जिंदगी में आए, ये मैं नामुमकिन बना दूंगी। ये क्या कर रहे हो? ताला बंद हो गया, इसकी चाबी मुझसे कहीं गिर गई है शायद, खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम अपनी सोच के ताले खोल लो तो दरवाजों पर ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुमने कभी अपनी सोच को खोलने की कोशिश की है? क्या तुमने हमारे रिश्ते में वो सब पैदा करने की कोशिश की है? नहीं ना, तो फिर मुझसे ये सब एक्सपेक्ट भी मत करो। अगर तुम्हें मेरी सोच पर ताले पड़े नजर आते हैं तो ठीक है, मुझे ये ताले मंजूर हैं, क्योंकि अपनी बीवी की हिफाजत करना, उसे किसी नामहरम की नजर से बचाना मेरा फर्ज है। और अब आतर तुम्हारे लिए नामहरम है, समझी तुम? फैसल कहाँ जा रहे हो बेटा? वो मैं जरा दुकान पे जा रहा था, ताला बंद हो गया, इसकी चाबी मुझसे खो गई है। तुमसे एक बात करनी थी बेटा, मैंने लेडी हेल्थ वर्कर से बात कर ली है तंजीला का बच्चा गिराने के सिलसिले में। तो क्या कहा उसने? मना तो नहीं किया? मना क्यों करेगी, मुफ्त में थोड़ी काम करवा रहे हैं, पैसे देके काम करवा रहे हैं, और पैसे में बड़ी ताकत होती है बेटा। तो क्या वो मान गई? हाँ हाँ वो मान गई है, बस मुझे थोड़े से पैसे दे दो एडवांस के तौर पर, मैं उसे दे देती हूँ, एक दो दिन में आकर वो घर पर ही सारा काम कर देगी, तंजीला को कहीं ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन खाला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, और तंजीला को? अरे किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा, और तंजीला की तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी, और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, ठीक है ना? अच्छा मैं चलती हूँ। मैडम आप? तुम जाओ अब। मैडम आप? मैं अब यही रहूंगी, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लूंगी। ठीक। कैसी हो तुम? मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे आज यहाँ देखकर हैरत हो रही है ना, कि उस दिन फैसल के मना करने के बावजूद मैं अपना सामान उठाए फिर यहां चली आई। लेकिन मैं क्या करूं तंजीला, मेरा शौहर तुम्हारे पास है, मुझे मेरा शौहर वापस चाहिए, मेरे बच्चे का बाप वापस चाहिए, मुझे फैसल वापस चाहिए। तुम्हें तुम्हारा शौहर जरूर वापस मिलेगा, तुम्हारा शौहर भी और तुम्हारे बच्चे का बाप भी। तुम
तुम यहां फिर से क्या लेने आई हो? मैं तुम्हें लेने आई हूं, मैं अपने शौहर को लेने आई हूं। सोनिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें यहां रख सकता हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। ये कहीं नहीं जाएगी फस। क्या मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तंजीला, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि तुम अब इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी, वरना पढ़ना क्या बोलो, क्या फिर से मारोगे मुझे, हाथ उठाओगे मुझ पर? तुम और कर भी क्या सकते हो, लेकिन तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम इतने कमजोर हो। नहीं तंजीला, मेरी वजह से फैसल को तुम पे हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फैसल, अगर तुम मुझे यहां नहीं रखना चाहते हो, तुम मेरे वो 50 लाख रुपए लौटा दो जो तुमने सर्वर को दिए थे। मेरे पास अभी इतनी बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारे पास रकम आ जाएगी और तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे, उसी दिन उसी लम्हे मैं इस घर से चली जाऊंगी। हेलो हेलो, मैंने इसी सिलसिले में फोन किया है पूछने के लिए कि आप अभी तक अपने घर में हैं या फैसल की तरफ चली गई? नहीं, मैं फैसल के घर में हूँ और तंजीला भी साथ है। क्या तंजीला आपके साथ है? तंजीला पास है आपके? मैं तंजीला से बात कर सकता हूँ? नहीं अभी नहीं, वो फैसल के साथ खाना खा रही है, लेकिन मैं बाद में किसी भी वक्त फैसल की गैर मौजूदगी में आपकी तंजीला से बात करवा दूंगी। और हाँ, एक और बात, आप प्लीज तंजीला के लिए परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है और अब मैं भी यहाँ आ चुकी हूँ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, बहुत बड़ी। थैंक यू कह के आप मुझे शर्मिंदा मत करें आतिर, आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे यहाँ तक पहुँचने और फैसल को हासिल करने का रास्ता दिखाया है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? रास्ता तो आप बनी मेरे लिए, आपको किसी भी सिचुएशन में मेरी जरूरत हो तो फौरन मुझे कॉल कीजिएगा, और अपना और तंजीला का बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। चलिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। कौन था? कौन?
आतिर आप किससे फोन पर बात कर रहे थे? आनिया ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ एंड आई डोंट लाइक रिपीटिंग माई सेल्फ। मैं किससे बात करता हूँ और किससे नहीं इस बारे में तुम मुझसे सवाल मत किया करो। मेरी आतिर से बात हुई थी, तुम्हारा पूछ रहे थे, बहुत दिल कर रहा था उनका तुमसे बात करने का, लेकिन मैंने उनको पूरी तसल्ली दे दी है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो। मैं तुम्हारी बहुत जल्द उनसे बात करवा दूंगी। कितनी अजीब सी बात है ना, एक तरफ मैं हूं जिसे फैसल जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहता है और दूसरी तरफ तुम हो जिसे वो अपने आने से इनकार करता है। तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं आ गई हूं ना, मुझे आतिर ने सब कुछ बता दिया है। फैसल को मैं अपने बच्चे को अपनाने पर मजबूर कर दूंगी और तुम देखना बहुत जल्द वो तुम्हें भी आजाद कर देगा ताकि तुम आतिर के पास चली जाओ और उससे दोबारा बाकायदा तौर पर शादी कर उसे अपना सको। कल उस लेडी हेल्थ वर्कर को मैं लेकर आऊंगी। ये तंजीला को जरा रोब में रखना, ज्यादा चू चरा ना करे। कल इस आतिर के बच्चे का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इस बच्चे का तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन इस सोनिया का क्या करूं जो इतनी मुसीबत यहाँ आकर बैठ गई है। सोनिया, किसकी बात कर रहे हो? मेरी दूसरी बीवी। दूसरी बीवी? हाँ, जब मेरी यादाश्त हुई थी तो मैंने एक और शादी की थी। तो ये कल कहीं रंग में भंग ना डाल दे। खैर, अब इतनी भी हिम्मत नहीं उसकी, उसको तो मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी ये काम हो जाने के बाद मेरा यहां इस घर में रहना ठीक नहीं। तंजीला के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मुझे यहां से जाना होगा।